ओ मैट डाइट के बारे में सुना है आपने? ये कोई पागलों वाली डाइट नहीं है, बट ओ मैट का मतलब है वन मील अ डे। देर आर पीपल हु आर लाइक कि दिन में तुम एक बार खाना खाओ वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज वो आपका वजन कम करने में आपको हेल्पफुल हो सकता है और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में भी आपको हेल्पफुल हो सकता है। कितना सच है ये बात, चलो फाइंड आउट करते हैं। ये वीडियो है OMAD वन मील अ डे डाइट के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे अगले वीडियो के टाइम पे। चलो बात करते हैं ओमैड के बारे में। Alright, so, होता क्या ना कि 90% 95% से ज्यादा हमारे क्लाइंट्स हैं ना जो न्यूट्रिशन की दुनिया में, उनको वजन कम करना होता है और उनकी ये जो इनसिक्योरिटी है वजन से रिलेटेड उसका फायदा उठाने के लिए बहुत सारे ट्रेंड्स आते रहते हैं। तो अभी आप जाके इंटरनेट पे ढूंढो जितने भी ट्रेंड्स आए हैं ना, बीट ग्लूटेन फ्री डाइट, बीट इंटरमिटेंट फास्टिंग, बीट कीटोजेनिक डाइट, बीट डिटॉक्स डाइट, एवरीथिंग इज डिजाइंड टू कैपिटलाइज ऑन योर इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू योर बॉडी वेट। आपको वजन कम करने के लिए अलग 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 चीजें दिखाई जाएंगी, दी जाएंगी, एंड उनमें से एक चीज है ओमैड। इसका सिंपल मतलब यह है दिन में आपको सिर्फ एक बार खाना खाना है। इसको गुजराती में एकटाणू भी बोलते हैं। जो बहुत बार लोग फास्ट करते हैं ना, रिलीजियस फास्ट, उसमें भी ये सिस्टम फॉलो करते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि हम सिलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं, हम हमारे हिसाब से रूल्स को मोल्ड करने की ट्राई करते हैं। तो ओमैड का इन थियोरी असली मतलब है कि 24 घंटे में जब हम सुबह उठते हैं उससे लेकर रात को सोने तक जो चर 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 पूरा दिन चल रहा होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप एक बार खाना खाओगे, एक बार प्रॉपर मील खाओगे, एंड दैट्स अबाउट इट। तो बहुत बार रिलीजियस फास्टिंग में बोलते तो हैं कि हम एकटाणु कर रहे हैं या ओमैट कर रहे हैं या हम एक ही मील ले रहे हैं, बट इन बिटवीन लाइक बाकी के दिन में भी हम नमकीन फलाहार के नाम पर साबूदाना की खिचड़ी, उसके वड़े, फ्रूट, चना, कुछ भी चल रहा है पूरा दिन, तो वो खाते रहते हैं। तो बिफोर वी गेट इनटू द टेक्निकलिटी ओमैड और वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है भी या नहीं है, उससे पहले मुझे ये थोड़ा सा रैंट क्लियर करना था जो मैंने कर दिया। तो चलो अभी बात करते हैं ओमैड के बारे में और डिटेल में। तो ओमैड का मतलब हमने जान लिया, ओमैड का मतलब है वन मील अ डे, 24 घंटे में आप सिर्फ एक बार खाना खाओगे। क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है? खाना सिर्फ एक बार अलाउड है, बाकी का पूरा दिन तुम जब भी जगे हुए हो तब आपको कैलोरी वाला कोई चीज कंज्यूम नहीं करना है। तो ओनली एंड ओनली वाटर इज अलाउड, बाकी सारी चीजें तुम्हारा फास्ट तोड़ सकती हैं। अगर तुम ओमैड सीरियसली करना चाहते हो तो सिर्फ वाटर यू विल बी ड्रिंकिंग, बाकी कैलोरी वाली चीजें एक बार जब आप खाना खाने बैठ रहे हो तब जाएंगी। दैट्स योर ओमैड। अभी जो लोग ओमैड करते हैं वो लोग बोलते हैं कि वो आपको वजन कम करने में आपको हेल्पफुल होता है। दूसरा, देयर इज दिस प्रोसेस इन योर बॉडी व्हिच इज कॉल्ड ऑटोफेजी, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है व्हाइल यू आर इन अ फास्टिंग स्टेज। तो उस प्रोसेस की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होते हैं। अगेन, पीपल हु डू ओमैड क्लेम। अभी ऑटोफेजी की वजह से आपको आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है, आपके हार्ट डिजीजेस प्रिवेंट हो सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आ सकता है, ये सारी चीजें वो लोग क्लेम करते हैं। तो कितना सच है थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जो बात आती है वेट लॉस की, तो देखो आप समझ लो एक बात कि आपका वेट लॉस है ना, उसके लिए आपको कैलोरी डेफिसिट इज मैंडेटरी, लाइक देयर इज नो अदर वे तुम्हारी बॉडी वेट लॉस करेगी। तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे एज, सेक्स, हाइट, वेट और फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए, ठीक है? वो कैलोरीज से आपको 300 से 700 कैलोरीज कम खाना, उसमें से घाटा लाना है। घाटा लाओगे तब ही तुम्हारी बॉडी वेट लॉस करेगी, दैट्स वन। एंड दूसरा, वो जो घाटा है ना, लेट्स से आपको 1700 कैलोरीज चाहिए, आपने कैलोरी डेफिसिट करके 1300 कैलोरीज का आपका मील तैयार किया है, वो अगर मील बैलेंस न्यूट्रिएंट से नहीं जाएगा तो भी आफ्टर अ पॉइंट आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो आप वन मील अ डे में जो मील खा रहे हो वो मील अगर आपके कैलोरी डेफिसिट में नहीं है और वो सही सोर्सेज से नहीं आ रहा है तो वन मील अ डे आपके लिए फायदेकारक नहीं है। उसके बाद जो ऑटोफेजी की बात कर रहे हैं वो भी आपको बेनिफिट नहीं देगा, बिकॉज न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स आर न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स विच इज आपके खाने में कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, फाइबर, प्रोबायोटिक का संतुलन होना चाहिए और वो सही मात्रा में जाना चाहिए। ये जो फंडामेंटल्स है उसको तुम अलग अलग तरीके से तुम्हारी रूटीन में एड कर सकते हो, एंड ओमैड इज वन ऑफ द रूटीन्स। दूसरा रूटीन है इंटरमिटेंट फास्टिंग, एंड तीसरा रूटीन है हम जो कन्वेंशनल खाना खाते हैं वो। तो ओमैड और इंटरमिटेंट फास्टिंग में फर्क क्या है? ओमैड में 24 घंटे में आप सिर्फ एक बार खाना खा रहे हो, तो आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी एक मील खाने में लगा हो, तो बाकी के जितने भी घंटे आप पानी के अलावा कुछ नहीं ले रहे हो। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग 16
16 और 8 घंटे वाला विंडो करते हैं तो 16 घंटे वो भूखे रहते हैं और 8 घंटे में 2 या 3 मील खा लेते हैं। सो दैट्स अ डिफरेंस। देन कन्वेंशनल डाइट, आपका फास्टिंग का सीन है ही नहीं। आप उठे, उठने के बाद आपने चाय बिस्कुट खाया, फिर ब्रेकफास्ट खाया, लंच, डिनर, रात को सोने से 10 मिनट पहले भी आपने बादाम वाला दूध पी के आप सोए हो, कुछ ना कुछ चर्चा चल रहा है पूरा दिन। दैट्स योर कन्वेंशनल, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है। अगर आप चर्चर वाले सुबह उठे और रात को सोए उससे लेके बीच में जो कुछ भी आपको खाना है आप खा रहे हो, अगर आप पूरा दिन खाने वाले रूटीन में भी न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स फॉलो कर रहे हो तो वहां पे भी आप आपके गोल्स अचीव कर सकते हो। एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट ओमैड में, अगर आप न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपका गोल नहीं अचीव होगा, जो वेट लॉस है नहीं होगा आपका, आपका हेल्थ फिक्स नहीं होगा, बिकॉज न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दिस इज हाउ योर बॉडी गिव्स यू रिजल्ट। टाइम से रिस्ट्रिक्ट करके कैलोरीज को तुम कुछ फायदा नहीं उठा रहे हो। तो ओमैड अगर आपको करना है तो कर सकते हो, बट उससे पहले आएगा न्यूट्रिशन का फंडामेंटल। ये क्लियर हो गया तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे ना कि ये जो भी क्लेम्स है तो ये क्लेम्स किसी को तो फायदा कारक हो रहा होगा इसलिए वो कर रहा है ना। हाँ, ऑफ कोर्स। देखो, आप 24 घंटे में सिर्फ एक मील खा रहे हो तो यू आर मोर लाइकली टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट, राइट? बिकॉज तुम एक टाइम में कितना ही खा सकते हो, अनलेस यू आर गोइंग आउट फॉर अ ह्यूज पिज्जा और अ बर्गर और यू आर अ हैवी ईटर, तो तुम्हारा एक नेचुरली एक कैलोरी डेफिसिट आ सकता है इन मोस्ट केसेस, बिकॉज तुम एक टाइम में यू कैन ओनली ईट certain amount of calories, but it's not universally applicable. I have seen people जो एक time में बैठ के हावरट की तरह बहुत खा सकते हैं, but आपका weight loss calorie deficit की वजह से ही हो रहा है, calorie restriction की वजह से हो रहा है, OMAD की वजह से नहीं हो रहा है, because we just discussed OMAD में भी calorie surplus हो सकता है, तुम हावरट की तरह खा सकते हो। दूसरा, when you are eating right in OMAD one meal और बाकी के time जब तुम भूखे रह रहे हो, तो yes, autophagy करके एक process है जहाँ पे तुम्हारी body के healthy cells unhealthy cells को खा जाते हैं, और वो प्रोसेस थोड़ा और बढ़ जाता है व्हेन योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट बिजी डाइजेस्टिंग फूड आइटम। सो जब तुम फास्टेस्ट स्टेट में हो तो ऑटोफेजी बढ़ जाता है, तो या पोटेंशियली दैट कैन बी हेल्पफुल। तो व्हाई एम आई साउंडिंग इफी, मैं तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड रेकमेंड क्यों नहीं कर रहा हूं? बिकॉज अगर आपने मेरे पुराने वीडियो भी देखे होंगे ना, तो आपको अंदाज होगा कि मैं कभी भी ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स नहीं देता हूं। कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में इनकल्केट करो तो आपको अपने आप से पूछना है कि ये मैं कब तक कर सकती हूं। अगर वो आप परमानेंटली नहीं कर सकते तो दैट थिंग इज नॉट फॉर यू। रिजल्ट्स सस्टेनेबल होने के लिए जो एक्टिविटी है, जो चीज तुम्हें रिजल्ट दे रही है, वो उसका सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है। अगर ओमैड करते करते आपकी लाइफ मिजरेबल हो रही है, आपको सर दर्द हो रहा है, आपको नौशा फील हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से एनर्जी लो फील हो रहा है, थकान महसूस हो रही है, तुम्हें कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, इट इज अफेक्टिंग योर अदर रूटीन, देन ओमैड इज नॉट फॉर यू। इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल who are pregnant, who are breastfeeding, elderly लोगों को, diabetes, अगर तुम्हारा insulin या और कोई दवाई चल रहा है, OMAD is not recommended because your blood sugar levels will be going haywire. And even if you are doing it, you have to be in touch with your doctor. So this is not something which is recommended for everyone. So at the same time, I understand आपका frustration with your weight loss and you want to lose your weight. But let me tell you एक और बार कि तुम्हारा weight loss ये सारे gimmicks से नहीं जाएगा. And the reason why I'm saying this is a gimmick because it's not sustainable for majority of the audience. अगर आपके लिए sustainable है, because I know a lot of people who survive on one meal a day, but वो उनके लिए sustainable है. For example, I cannot. Like मुझे खाना इतना पसंद है, I want to eat, but then I know the fundamentals of nutrition, and that is what you need to know. आपको figure out करना है what are the nutrition का fundamentals, और वो तुम्हारे routine में, तुम्हारे likes, dislikes, तुम्हारे character, तुम्हारे behavior, तुम्हारे culture के साथ कैसे fit in हो सकता है। एंड वंस दैट उसका मिलन हो गया ना, तो आपका वेट लॉस भी होगा, आपका हेल्थ भी बेहतर होगा, और वो परमानेंट होगा। तो बस यही है यार, ओमैड को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ओमैड 24 घंटे में एक बार खाने खाने वाली जो मेथड है उसको बोला जाता है। लोग बोलते हैं कि आपका वेट लॉस होगा, आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हो सकते हैं, पर वो तभी होंगे जब आप न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स फॉलो करोगे। उसके बारे में हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया हुआ, ये वीडियो वापस से देख के इसको समझने की ट्राई करो। इसके मोर डाउनसाइड है देन द बेनिफिट्स, बट दैट्स अगेन माय पर्सनल opinion. As I said, there are so many people who are doing OMAD, but OMAD or intermittent fasting or nothing is above fundamentals of nutrition. So nutrition ke fundamentals jaan jao, baki ki sari cheeze sorted ho jayengi. And wo janne ke liye agar aapko meri ya meri team ki help chahiye, to we offer free 15 minute consultation. Calendar ka link maine diya hai description mein. Go book a session, talk to my team about your health goals and start working on it. Kiska hai ye tumko intezar? Karo na yaar, kya kar rahe ho? Milta hu main aapko agle video mein. Take care.